मुझे पता नहीं था आप प्रभावित नहीं हूँ, मेरा खुद कैरियर से मुझे मुझे पता नहीं था आप मदन दिलावर RAS मेंस की तारीख करेंगे स्थगित। RAS अभ्यर्थियों ने जोड़े शिक्षा मंत्री के हाथ। शिक्षा मंत्री दिलावर ने दिया दिलासा। राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वार पर पिछले चार दिनों से सत्याग्रह पर बैठे RAS मेंस अभ्यर्थियों से मिलने अब खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर धरना स्थल पर पहुंचे हैं, जहां पर RAS मेंस अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री से परीक्षा पोस्टपोन करने की गुहार लगाई है। तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी अभ्यर्थियों को पूरी मदद देने का भरोसा जताया है। साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने के संबंध में बातचीत करने का आश्वासन दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अभ्यर्थियों की मांग तार्किक है, इस पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा, फिर जो सही होगा वह फैसला लिया जाएगा। अब तक के RAS इतिहास का सबसे कम समय दिया गया है, मात्र 3 महीने से। 3 महीने में सर 30 सब्जेक्ट है और सब्जेक्टिव पेपर है, सर रिटर्न पेपर है। आपको बता दें कि RAS मेंस परीक्षा 27 और 28 जनवरी को होनी है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि मेंस परीक्षा के लिए सिर्फ 3 महीने का समय मिला था, जबकि कम से कम 6 महीने का समय दिया जाता है। ऐसे में अभ्यर्थी परीक्षा तिथि में बदलाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां पर सत्याग्रह पर भूख हड़ताल पर कई अभ्यर्थियों की तबीयत तक बिगड़ गई, फिर भी वह डटे रहे। जब शुक्रवार को शिक्षा मंत्री राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे, तभी धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने उन्हें नारेबाजी करते हुए तकिया दिखाई, जिन्हें देख खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उनके पास पहुंचे और उनकी बात सुनी। इस दौरान एक दिव्यांग अभ्यर्थी ने शिक्षा मंत्री से हाथ जोड़कर कहा कि आप हमारे माँ बाप की तरह हैं, और इसके बाद अपनी पूरी आप बीती बताई। ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद कुछ उम्मीद है, लेकिन जब तक तारीख नहीं बदली जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट।